तस्वीर चीन के हेनान प्रांत की, जहां पर जोकू इलाके में एक डैम कैसे टूट गया, यह हैरान करने वाली तस्वीर देखिए। और डैम को ठीक करने के लिए दर्जनों ट्रकों में कैसे मिट्टी, पत्थर, रेत लाई जा रही थी, लेकिन एक ट्रक हादसे का इस दौरान शिकार हुआ। ये देखिए तस्वीर। दरअसल ये ट्रक ढलान में था, एन मौके पर ब्रेक भी नहीं लगा पाया, खाई में समा गया। इसके पीछे एक और ट्रक था, ये दूसरा ट्रक भी फिसल कर खाई में समा गया। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने फ्रांस की, जहां पर ब्रूमज इलाके में एक भीषण बवंडर आया। बवंडर इतना विकराल था कि चपेट में तीन गाड़ियां कैसे आई, तस्वीर आपके सामने। ये देखिए पार्किंग में खड़ी ये गाड़ियां, लेकिन बवंडर की चपेट में एक के बाद एक तीन गाड़ियां आ गई। तीनों गाड़ियां पार्क थी, लेकिन तेज तूफान से ये तीनों कार अपनी जगह से ही हिल गई। तो अंदाजा लगाइए कि इस बवंडर कितना विकराल रूप ले चुका था। हालांकि तीन में से दो कार हवा में कैसे उड़ती नजर आई, ये तस्वीरें सामने आई। अब तस्वीर आपके सामने हैदराबाद से, जहां एक शख्स सड़क पार कर ही रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने इस शख्स को कैसे टक्कर मारी, देखिए तस्वीर। तेज रफ्तार बाइक शख्स को जोरदार टक्कर मारते ही आगे चली गई। इतना जबरदस्त हादसा कि बाइक में सवार दो लड़के करीब 100 मीटर तक घिसटते चले गए। सड़क पर चल रहा शख्स भी हवा में उछल गया। हादसे में 18 साल के एक लड़के की भी मौत हुई है। अब यूक्रेन के चासेबियार से आई तस्वीर, जहां पर एक रूसी पारा ट्रूपर की जांबाजी कैमरे में कैद हुई, तस्वीर आपके सामने होगी। ध्वस्त इमारत में यूक्रेन के कुछ सैनिक छिपे हुए थे। रूस के सैनिक ने दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए एक पटरे का सहारा लिया। जरा ये तस्वीर जरा गौर से देखिएगा। इमारत की एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ये शख्स पटरे की मदद से गया और दुश्मनों पर धावा बोल दिया। जरा सी चूक होती तो सैनिक इमारत से सीधा नीचे गिर जाता। अब पांचवी तस्वीर माउंट एवरेस्ट से। माउंट एवरेस्ट में टूरिस्ट की वजह से भारी कचरा कैसे पैदा हो गया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। और हिमालय की चोटियों पर फैले इस कचरे से गंभीर संकट पैदा हो गया है। नेपाल सरकार अब इस कूड़े के निपटान में जुटी हुई है। नेपाल सरकार एवरेस्ट की चोटियों से कूड़ा जमा कर रही है, इसे बेस कैंप तक लाया जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट को कूड़ा विहीन करने में कई साल का समय भी लग सकता है। तो ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से अब माउंट एवरेस्ट पर भी हालात बिगड़ गए हैं और इन पर्वतारोहियों की यहां पर मौजूदगी के बाद किस तरीके से यहां पर कचरा फैला हुआ है। अब माउंट एवरेस्ट को कूड़ा विहीन करने के लिए भी समय लग सकता है, क्योंकि इस सभी कूड़े को नेपाल सरकार एवरेस्ट की चोटियों से इकट्ठा करके बेस कैंप तक लाने की कोशिश कर रही है। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, फ्रांस की सड़क पर देर रात भारी उपद्रव हुआ। चुनाव के बाद गुस्साई भीड़ उग्र हो गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। राजधानी पेरिस से लेकर दूर दराज के इलाके में सियासी उपद्रव की एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी। किस तरीके से ये सियासी उपद्रव सड़क पर देखने को मिला और कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यकीन ही नहीं आया कि ये एक ऐसे देश में हो रहा है जो विकसित देश है, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दंगाइयां जत्थों में सड़क पर निकले हुए लोगों की ये तस्वीर, उनके हाथ जो आया उसे तबाह किया, सरकारी गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया, सरकार की इमारतों के अंदर जलते हुए पेट्रोल की बोतल फेंकी गई। एक साथ तस्वीरें आपके सामने,
10 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए फ्रांस ने इससे पहले चुनाव के बाद कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी थी, लेकिन फ्रांस में भारी हिंसा की अब एक एक तस्वीर। इन 10 एक साथ तस्वीरों की वजह और फ्रांस में इस वक्त के हालात, क्योंकि फ्रांस में मैक्रों के चुनाव हारने के बाद की हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है। अब देखिए फ्रांस में चुनाव के बाद भारी हिंसा की एक एक तस्वीर, जहां दक्षिणपंथी नेशनल रैली के समर्थक जब सड़क पर उतरे तो कैसे बवाल मचा। सड़क पर पूरी रात उपद्रव की ये तस्वीरें देखने को मिली, जहां पुलिस की गाड़ियों को कैसे निशाना बनाया गया, देखिए। सड़क पर मौजूद फोर्स को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सामने किस तरीके से इन उपद्रवियों को काबू में करने के लिए भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। लेकिन ऐसा सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहा। और ये तस्वीर, जहां जगह जगह हुई आगजनी के बाद मौके पर पहुंची फोर्स ने कैसे इन लोगों को यहां से खदेड़ना शुरू किया। बीच सड़क पर हुई आगजनी, लगातार फेंके गए पेट्रोल बॉम्ब और उसके बाद की और तस्वीरें अब आपके सामने होंगी। क्योंकि आपको बता दें, फ्रांस में मैक्रों की पार्टी का मुकाबला मुस्लिम विरोधी दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली से बताया जा रहा है, और कल जब चुनाव परिणाम आए तो शुरुआती परिणामों में ही जीन ल्यूक मेलेशोन की नेशनल रैली आगे थी, लेकिन शाम होते होते बाजी पलट गई, नेशनल रैली पिछड़ गई। लेफ्ट नेता जीन ल्यूक मेलेशोन का न्यू पॉपुलर फ्रंट 182 सीट जीतने में सफल रहा, और परिणामों की घोषणा होने के बाद नेशनल रैली के समर्थक भड़क गए, सड़क पर उतर आए, हिंसा करने लगे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। उसी की ये पहली तस्वीर आपके सामने है, लेकिन और भी तस्वीरें हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के समर्थकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाने लगा। और हिंसा की शुरुआत पेरिस से हुई, इसके बाद यह हिंसा आधा दर्जन शहरों में कैसे फैल गई, तस्वीर आपके सामने। उपद्रवियों के हाथ में पेट्रोल से भरी बोतलें थी, इन बोतलों से सरकारी संपत्तियों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया। हिंसा जब भड़की तो शहरों में दंगा विरोधी पुलिस को तैनात किया गया, पुलिस भीड़ को नियंत्रित करती नजर आई, लेकिन जहां भीड़ बेकाबू थी वहां लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। ये देखिए तस्वीर। हालांकि पुलिस वालों को बीच सड़क पर ही पुलिस वालों को कैसे पेट्रोल बॉम्ब के जरिए निशाना बनाया गया, यह तस्वीर। लेकिन उसी वक्त एक जगह पर इकट्ठा लोगों को यहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। फ्रांस में दंगों का अलर्ट पहले से जारी किया गया था, यह आशंका थी कि अगर दक्षिणपंथी पार्टी जीती तो हिंसा भड़क सकती है, लेकिन मरीन ले पेन की नेशनल रैली गठबंधन चुनाव हार गई और इसके बाद उपद्रव शुरू हो गया। ये देखिए तस्वीर। एक तरफ पहले जश्न मनाया जा रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे, लेकिन इस बीच उपद्रव में भी इन्हीं पटाखों का कैसे इस्तेमाल होने लगा, ये तस्वीर आपके सामने। फायर क्रैकर्स पुलिस वालों पर बरसाने शुरू कर दिए गए। शुरुआत में प्रदर्शनकारी पुलिस पर हावी थे, क्योंकि हजारों उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए चंद पुलिस वाले ही तैनात हुए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद रिजर्व पुलिस को भी बुलाना पड़ा। दंगाइयों को कैसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, ये तस्वीर आपके सामने। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रूस के विध्वंसक हमले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कीव में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइल बरसाई है। आपको बता दें, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले को लेकर इस वक्त खबर बड़ी है। कीव के रिहायशी इलाकों में हमले की ये तस्वीर आपके सामने, राष्ट्रपति के भवन के पास गिरी मिसाइल को लेकर ये बड़ी खबर है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां कीव में रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई हैं। मेरे दो सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मनीष, अभी अभी रूस का ये बहुत बड़ा हमला कीव पर, क्या डिटेल इस बारे में, क्योंकि अब तो तस्वीरें भी सामने आ रही है कि कैसे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। मनीष बिल्कुल सुरभि, देखिए कीव है और कीव के अलावा यूक्रेन के जो दूसरे शहर हैं, चर्निहिव, स्लोवियांस्क, निप्रोपेत्रोवस्क, इन सब में 100 से अधिक मिसाइलों के साथ
रूस ने हमले किए हैं और अभी भी जो जानकारी मिल रही है कि कुछ मिसाइल, रूसी मिसाइल अभी भी इन रूट है, यानी कि वो इन शहरों में और लगातार टारगेट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि रूस ने अचानक जो ये हमला एग्रेसिव तरीके से किया है, साफ तौर पर है कि जो शांति की कोशिशें नहीं को एक तरफ सफल हो रही है और दूसरी तरफ जो नाटो की बैठक हो रही है, तो रूस ये बताने की कोशिश में है कि आज भी हम जब चाहें जहां चाहें वहां पर मिसाइल दाग सकते हैं। और अमेरिका और पश्चिमी देशों के तमाम हथियार रहने के बावजूद भी यूक्रेन अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ये तस्वीरें जरा बयां करिए मनीष, क्योंकि इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाके में 100 से ज्यादा, कीव में ही रूस ने 100 से ज्यादा मिसाइलें बरसाई और आसपास लोग इसमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। मनीष, बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि इस तस्वीर में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है और इसमें जो मिसाइल आकर गिरा वो कोई बच्चों का हॉस्पिटल था, वहां पर गिरा, ये बात यूक्रेनियन सोर्सेस कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि इसके बावजूद कि यूक्रेन में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया, तब भी कीव के रिहायशी इलाकों में इस तरह से मिसाइल के जरिए रूसी टारगेट अचीव करने में सफल हुए। और तीसरी सबसे जी बिल्कुल अपनी बात पूरी करिए मनीष, तीसरी सबसे अहम बात यह है कि आज की तारीख में रूस के इन हमलों के बाद कीव में रहने के बाद भी लोग ये समझ रहे हैं कि वहां पर वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अब कीव के उन इलाकों में भी सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा है। ये बात मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही थी क्योंकि कुछ ही दिन पहले कीव की जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसमें तो बल्कि ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि सब कुछ कितना सामान्य है, लेकिन अचानक कुछ महीनों बाद कीव को खास तौर पर टारगेट नहीं किया गया क्या? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब युद्ध चल रहा है तो सामान्य क्या होता है, लेकिन कीव में यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि रूसी हमले से हम अभी बचे हुए हैं, जबकि हकीकत यह है कि रूस ये तय करता है कि कब हमला करना है, कब हमला नहीं करना है, कब हमें टारगेट पर रखना है और नहीं रखना, ये बात एक बार फिर से साबित हो जाती है। इसके बावजूद कि तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है या पश्चिमी देशों के हथियार दिए गए, लेकिन आज भी कीव को टारगेट करने में रूसी मिसाइलें सफल हो रही है, यही सबसे बड़ा कंसर्न है। और सुमित, इस बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये दो तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं कीव में, खास तौर पर इस वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बारे में क्या डिटेल इंफॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए सुरभि, अभी रशिया का जो मेन टारगेट है, रशिया लगातार अब कीव को उस लेवल पर लाना चाहता है जहां पर उसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन हो। जिस तरीके से मनीष भी बता रहे थे, कीव के ये आउटर एरियाज के अंदर उन लोकेशंस पे टारगेट कर रहा है रूस, जहां पर पैट्रियट मिसाइल्स की बैटरीज इस्टेब्लिश की गई है। इसके अलावा जो कीव के रिहायशी इलाके हैं जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वेपन्स को लेकर, उनकी मिसाइल्स को लेकर, उनको टारगेट किया जा रहा है। और खास तौर पर आप देखें कि रूस सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर टारगेट नहीं कर रहा है जहां पर वेपन्स का डिपो है, जहां पर पैट्रियट की बैटरीज हैं, बल्कि उन रिहायशी इलाकों को भी टारगेट कर रहा है जहां पर इसके लेकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर रूस की स्ट्रेटजीज अब इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि वो कीव के डीप एरियाज में, उसके आउटस्कर्ट्स में, उन इलाकों को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है जहां से यूक्रेन के फोर्सेस को बैकअप प्लान मिल रहा है, बैकअप मिल रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके की 100-100 मिसाइल्स और लगातार और भी मिसाइल्स लगातार कीव के इलाकों पर टारगेट किए गए हैं। दो चीजें मनीष इस लिहाज से भी समझा दीजिए तस्वीरों के साथ साथ कि इनपुट क्या मिल रहा है, कीव में कौन कौन से ऐसे इलाकों को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पीस टॉक्स के दौरान अब अगर कीव को टारगेट किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है। दूसरा, नेटो देशों की वॉशिंगटन डीसी में हो रही ये मीट, इस दौरान किया जा रहा हमले, इसके भी क्या बहुत बड़े मायने? जी हाँ बिल्कुल, देखिए कीव पर हो रहे हमले का नाटो से सीधा कनेक्शन है, नाटो की मीटिंग का, और अभी भी जो आप देख रहे हैं कि रिहायशी इलाकों में जो रूसी मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, इसके पीछे में जो रूसी सुरक्षा एजेंसियों का लॉजिक है वो ये है कि इन रिहायशी इलाकों में जो नाटो के ट्रूप्स के जो अधिकारी आए हैं उनके एडवाइजर के नाम पर या मिलिट्री एक्सपर्ट्स के नाम पर, वो सब वहां पर जमा हैं, वो सब वहां इकट्ठे हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं, हम पश्चिमी देशों से भेजे हुए हथियार जो वहां रखे हुए हैं हम उनको टारगेट कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां यूक्रेन ये कह रहा है कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, यूक्रेन में कई शहरों पर रूस के हमले और बच्चों के हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस बारे में मनीष हमें पहले ही जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, और ये तस्वीरें भी आपको बता दूं मनीष, ज़ेलेंस्की की तरफ से ही शेयर की जा रही है, ये दावा करते हुए कि हमला जो हुआ है उस हमले में टारगेट किया गया है शहरी इलाकों को। कई शहरों पर रूस जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है उसमें बच्चों के हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया है। मनीष देखिए अलग अलग तस्वीरें हैं, हमने देखा कि वो तस्वीरें जिसमें आग की लपटें निकल रही है, बहुत सारा धुआं है, वो साफ तौर पर कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट ये बता देगा कि वो हथियार के गोदाम से संबंधित है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने जो ये वीडियो डाला है, ये बात सही है कि ये रिहायशी इलाका दिखता है, लेकिन दिक्कत यही है कि आखिरकार उन्हीं रिहायशी इलाकों में मिलिट्री के लोग रह रहे हैं, उन्हीं रिहायशी इलाकों में नाटो के एक्सपर्ट्स रह रहे हैं। तो और एक बात तो तय है कि कीव के हर गली मोहल्ले शहर से
एकदम सटीक जानकारी, सटीक इंटेलिजेंस अभी रशियंस को मिल रहे हैं और इसीलिए वो टारगेट हो रहे हैं। इसके बावजूद हाँ, कोई सिविलियन कैजुअल्टी कहीं से भी हो वो ठीक नहीं है, हर मोर्चे पर हो रहा है, रूस यूक्रेन के मोर्चे पर हो या गाजा हमास के मोर्चे पर हो, हर जगह यही देखने को मिल रहा है। अल्टीमेट टारगेट आपका सिविलियन जगह होती है क्योंकि मिलिट्री उसी का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, लेकिन इन सिविलियन एरियाज में ही सुमित, जिस तरीके से आपने इनपुट दिया कि खासकर उन प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर ज्यादातर एम्युनिशन था, अब ये भी बता दीजिए कि अगर इस वक्त जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है कीव में, पीस टॉक्स के बीच कीव पर हमले का भी मतलब बहुत बड़ा है। देखिए बिल्कुल, पीस टॉक तो देखिए अब यूक्रेन को करना है, रूस तो बिल्कुल मन बना चुका है और रूस ये स्पष्ट भी कर चुका है कि हमारी शर्तों पर बातचीत होगी, हमारी शर्तों पर नेगोशिएशन होगा, हमारी शर्तों पर एग्रीमेंट साइन होगा पीस का, और यूक्रेन, अब यूक्रेन के पास कोई चारा नहीं। और देखिए अगर आप मानिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर इस तरीके के उनके प्लांट्स पर, उनके वेयर हाउसेज पर टारगेट किया जाएगा तो आप मान के चलिए कि आने वाले वक्त में उनके उनकी टीम के पास ज़्यादा बैकअप नहीं होगा। जो फॉरवर्ड इलाकों के अंदर यूक्रेन की सेना मौजूद है उसके पास उसको बैकअप नहीं मिलेगा, उसको सामान नहीं मिलेगा, तो फिर वो आगे लड़ाई कैसे लड़ेगी। और यही है रूस की स्ट्रेटजी, रूस ये बिल्कुल चाहता है कि अब उसकी टीमें, यूक्रेन की सेना पैरालाइज हो जाए, उनके पास कोई क्षमता ना हो, उनके पास कोई शक्ति ना हो, उनके पास कोई वेपन ना हो और आसानी से कीव के आसपास के इलाकों में रूस की सेना आकर बैठ जाए। और इसी डर को लेकर अब जेलेंस्की भी लगातार कह रहे हैं कि वो पीस टॉक हो जाना चाहिए, ये वॉर रुक जानी चाहिए, क्योंकि उनको भी अंदाजा लग चुका है कि अब उनके पास ज्यादा ऑप्शन और ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मनीष, इसी को लेकर सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि यहां तो ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हम यूरोप को बचाना चाहते हैं। एक बार फिर से इन हमलों की तस्वीरों को शेयर करते हुए ये मदद की गुहार की गई है कि इस वक्त भी यूक्रेन को और मदद की जरूरत है। देखिए जहां तक पीस टॉक का सवाल है, मुझे लगता है दोनों ही पक्ष जो है अपनी नपली अपनी राग बजा रहे हैं, क्योंकि पुतिन कह चुके हैं कि जितना हिस्सा हमने ले लिया है वो हमारे पास रहेगा, अब बताओ कि बात कैसे करनी है। वहीं जेलेंस्की कहते हैं कि हम क्रीमिया तक को वापस लेकर आएंगे। मुझे लगता है कि एक बार के लिए सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन आज की तारीख में यूक्रेन क्रीमिया वापस ले लेगा रूस से, ये शायद ही संभव होगा। और ऐसी स्थिति में जब नाटो की मीटिंग हो रही है तो नाटो वाले भी यही तय कर रहे हैं कि हमें युद्ध को बढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि बस पीस के नाम पर ही सही, लेकिन पीछे से युद्ध हो रहा है। और आज बीच में ये तस्वीरें जारी कर तो इसी तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कैसे सिविलियंस को मार रहे हैं, किस तरीके से अभी भी जेलेंस्की को बड़ी जरूरत है कि वो बचाने की कोशिश करना चाहते हैं, बावजूद उसके देखिए कि किस तरीके से कीव के रिहायशी इलाकों में हॉस्पिटल तक को टारगेट किया गया। ये तबाही की तस्वीरें जिस तरीके से मनीष अब सामने आ रही है, ये साफ नजर आ रहा है और ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से अब रूस ने रिहायशी इमारतों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूसी हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। और ये बात जो आप जिक्र कर रहे थे सुमित, रूस के हमले में हथियारों का भंडार नष्ट कर दिया गया है, यानी रिहायशी इलाकों में ही जिस तरीके से हथियारों के ये भंडार बनाए गए थे उन्हें टारगेट करते हुए रूस इस वक्त कीव में हमलों को अंजाम दे रहा है। और इसी रूसी हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि इन हमलों में हथियारों के भंडार को नष्ट कर दिया गया है। सुमित, आप यही बता रहे थे कि किस तरीके से एरिया मैपिंग होती है और उसके बाद सीधे टारगेट किया जाता है। बिल्कुल, और ये भी मानिए कि ये अटैक अभी रुकने वाले नहीं है, जब तक रूस ये सुनिश्चित ना कर लेगा कि बैकअप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है। और देखिए ये तब हो रहा है जब नाटो और अमेरिका साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनके जो वेपन्स हैं, उनके जो आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई है वो बहुत आराम से धीरे धीरे यूक्रेन तक पहुंच रही है, तो ऐसे में उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं है। और यह ऑप्शन आप मान के चलिए कि रूस के लिए एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद सौदा है, क्योंकि रूस ये जानता है कि अगर ना तो नाटो से मिला, ना अमेरिका से मिला, और ना अगर उसने ऐसे आर्म्स एंड एम्युनिशन डिपो को बर्बाद कर दिया तो फिर यूक्रेन के पास अब कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद अब जेलेंस्की की हाई लेवल मीटिंग को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मीटिंग में सेना के आला ऑफिसर्स की मौजूदगी और इस बीच जेलेंस्की का हमले के बाद आया बयान। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त, जहां जेलेंस्की की तरफ से इस वक्त हाई लेवल मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है हमले के बाद, और मीटिंग में सेना के आला अधिकारी मौजूद बताए जा रहे हैं, क्योंकि अब बड़ा बयान जेलेंस्की की तरफ से आया कि रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़े हमले को अंजाम दिया है और हमले हो रहे हैं कीव में। आपको बता दें कीव के साथ साथ निप्रो और स्लोवांस पर भी रूस के हमलों को लेकर खबर बड़ी है। कीव के साथ साथ कौन कौन सी ऐसी अलग जगहों पर मनीष हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि 40 से ज्यादा अलग अलग मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या इनपुट, क्या डिटेल मनीष? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो है कि कई तरह के मिसाइलों का जो इस्तेमाल हुआ है उसमें किंजल मिसाइल तक का भी इस्तेमाल हुआ है, और किंजल मिसाइल का इस्तेमाल रूस खास करके तब करता है जब उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री टारगेट है जिसको अचीव करना है, क्योंकि किंजल मिसाइल को कोई भेद नहीं पाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कीव, चर्निहिव,
निप्रोपेत्रोवस्क, स्लोवियांस्क, इन सब इलाके में है। हालांकि चर्निहिव और निप्रोपेत्रोवस्क में अभी भी लड़ाई चल रही थी, लेकिन कीव को टारगेट करने का एक बड़ा मकसद है। नाटो की मीटिंग, शांति की तमाम डिस्कशन के बीच में जिस तरह से रूस आज हमलावर हुआ है, जिस तरह से रूस के हमले तेज हुए हैं, हालांकि जेलेंस्की कहना चाह रहे हैं कि सिविलियन इलाके इसके टारगेट में, लेकिन बात तो फिर यही है कि दोनों ही हालत में सिविलियन मारे जा रहे हैं। और वो जो बात कही जा रही है कि शायद यूक्रेन का आखिरी व्यक्ति जब तक जीवित होगा तब तक यह युद्ध चलेगा, उसी दिशा में दिख रहे हैं रूस के हमले, उसी दिशा में दिख रहे हैं नाटो की। इन हमलों को जरा तस्वीरों के माध्यम से भी जरा बयां कर दीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें साफ सबूत है कि किस तरीके से हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि हमने जिक्र किया कि किंजल मिसाइल से लेकर क्रूज मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया। और इस वक्त देखिए जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, कीव एक खूबसूरत शहर था, लेकिन उसको धीरे धीरे कैसे वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, उसकी एक और बाणगी देखिए। काफी दिनों के बाद, काफी लंबे अंतराल के बाद रूस ने इस तरह का एक भीषण हमला किया है। उस दिन रूस ने यह हमला किया है जब दो दिन पहले ही शांति प्रस्ताव को लेकर हंगरी के प्रधानमंत्री से पुतिन की मीटिंग हुई है। उस दिन हमला किया जब खुद प्रधानमंत्री मोदी अभी मॉस्को के लिए जा रहे हैं। उस दिन हमला किया है जब नाटो की बड़ी मीटिंग वॉशिंगटन में होनी है। यूक्रेन जंग के बीच ही रूसी खुफिया एजेंसी की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा है। और रूस के कीव हमले में अब आपको बता दें 5 लोगों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन ने दुनिया से कहा हमारी मदद कीजिए, और इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी सुमित, जहां यूक्रेन ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए यह बताया कि कैसे बच्चों के हॉस्पिटल को टारगेट किया गया है, कैसे रूस अब रिहायशी इलाके में कत्लेआम मचा रहा है, इसलिए हमें इस वक्त मदद की जरूरत है। यूक्रेन ने दुनिया से कहा है हमारी मदद कीजिए, और इस बीच यह डेवलपमेंट और अपडेट आ रहे हैं कि ना सिर्फ 5 बल्कि 10 लोग इस हमले में सुमित अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल देखिए, और इस तरीके के अटैक अभी और रूस करेगा। अभी जब आप और हम बात करें तभी कहा गया कि नाटो की तरफ से कई सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट भेजे गए जो लगातार ये देखना चाह रहे थे कि आखिरकार कौन कौन से जगहों पर अटैक किए गए हैं। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक पोस्टरिंग है, नाटो देश ये पोस्टरिंग तो कर रहे हैं कि हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है, हम आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है, लेकिन सच बात यह है कि यूक्रेन के पास अब वो चीज़ें नहीं पहुँच रही। अभी इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि जब लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें नए डिफेंस सिस्टम दीजिए, हमें आप हमें F-16 दीजिए, तब रूस उन्हीं जगहों को टारगेट करता है जहां पर ये मदद पहुंचनी है, F-16 के नए एयरक्राफ्ट पे जहां पे उनके डिप्लॉयमेंट होनी है, पेट्रियट मिसाइल जहां पे डिप्लॉयमेंट होनी है। तो ऐसी तरीके की स्ट्रेटजी अगर रूस अपना रहा है तो मान के चलिए कि यूक्रेन अब लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बड़ी बात आप ये कह रहे हो, और साथ ही मनीष खबर इस बीच ये भी आ रही है कि किस तरीके से ज्यादातर इलाकों में अब लोग बंकर में शरण लेने को मौजूद हैं, क्योंकि बड़े शहरों पर रूस जिस तरीके से इस वक्त ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, ना सिर्फ कीव बल्कि ज्यादातर आसपास के ऐसे इलाके जहां सर इस वक्त खबर आ रही है कि हैवी एक्सप्लोसिव मिसाइल्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए रूस की तरफ से जो हमले किए गए पिछले 1.5-2 घंटे से लगातार एयर सायरन बज रहे थे कीव और दूसरे तमाम इलाकों में, इसके बावजूद इतनी कैजुअल्टी होना ये साफ तौर पर बता रहा है कि हमला किस भीषण अंदाज में किया गया था, और उसकी चपेट में आने वाले लोगों के साथ साथ जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है उससे लग रहा है कि बहुत ही सटीक तरीके से। एरियाज के बारे में जरा बताइए, क्योंकि खबर है कि कीव के साथ साथ निप्रो रिवरी, साथ ही स्लोवियांस के साथ साथ रमतरुस्क में इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष बिल्कुल देखिए, स्लोवियांस, चर्निहिव और निप्रोपेत्रोवस्क ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बमबारी होती है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर रशियन और यूक्रेनियन सैनिक एक दूसरे के साथ मोर्चेबंदी कर रहे हैं, या फिर उन जगह पर रशियन सैनिक आगे बढ़ते हुए अपने कब्जे में गए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव, कीव वो इलाका जहां पर रह रहकर या एक लंबे अंतराल के बाद रूस की तरफ से हमले होते हैं। रूस की कोशिश अब तक यही हो रही थी कि कीव में बहुत ज़्यादा टारगेट अभी फिलहाल नहीं किया जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नाटो की तरफ से अब लगातार हथियार भेजे गए, आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही सही क्रीमिया के सेवस्तोपोल में समंदर के किनारे एक रिजॉर्ट पर किस तरीके से हमला किया गया था जिसमें 150 से अधिक लोग घायल हुए थे, तो वही था कि उस वक्त रूस ने कहा कि सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। आज जेलेंस्की कह रहे हैं सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। रूस हो या यूक्रेन, दोनों ही तरफ से ऐसे भयानक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह के एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है
जिसकी वजह से तबाही भी काफी हो रही है। बड़े शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ अटैक को लेकर इस वक्त खबर बड़ी है, और जहां खबर आपको बता दें कि कीव ही नहीं बल्कि 5 शहरों पर रूस के हमले को लेकर खबर है। एयर रेड अलर्ट यूक्रेन में तो है ही, साथ ही मिसाइल लॉन्च भी जिस तरीके से डिटेक्ट हुआ है। कौन कौन से वो 5 शहर है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, जहां आपको बता दें कि लगातार 40 से ज्यादा मिसाइल के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। कीव के साथ साथ निप्रो, क्रिवरी, स्लोवियांस और रामतरोस्क, ये वो जगह है जहां पर यूक्रेन के बड़े शहरों को रूस की तरफ से इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में जहां 32 देशों के नेटो अधिकारियों की बड़ी बैठक हो रही है, मनीष हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि टाइमिंग उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां यूक्रेन में ही नेटो के अधिकारियों की मौजूदगी भी है। अब पोलैंड ने अपने फाइटर प्लेन्स भी तैयार कर लिए हैं, एक और सबसे बड़ी खबर। और इस बीच इंपॉर्टेंट यह कि पोलैंड की सीमा तक रूस की मिसाइल पहुंची है, एक और सबसे बड़ी खबर मनीष इस वक्त की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पोलैंड की सीमा पर जो नेटो सैनिकों ने अपने बेस बनाए, जो नेटो के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने अपने बेस बनाए, जहां से कि वो हथियार लगातार युद्ध के मोर्चे तक पहुंचाते थे, यानी कि एक बैकअप टीम, एक रसद सप्लाई करने वाली टीम, उन सब जगह को टारगेट किया गया और इसीलिए रूस की तरफ से अलग अलग जगह पर निशाना बनाए गए। कीव में, चर्निहिव में, निप्रोपेत्रोवस्क में, स्लोवियांस्क में, इन सब के अलावा यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर स्थित, क्योंकि नाटो की तरफ से ये स्ट्रेटेजी हमेशा रही है कि वो पोलैंड के आसपास में रहे ताकि रूस हमला करने में परहेज करे। लेकिन हमने बीते दिनों में देखा है कि रूसी मिसाइल इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि वो पोलैंड के उस पार नहीं जाते, लेकिन पोलैंड सीमा पर यूक्रेन की तरफ जो मिलिट्री बेसेस हैं, चाहे वो एयर बेस हो या हथियारों के गोदाम हो, उन सब को टारगेट करें। इस बात से जोड़कर देखें जहां हमने देखा था कि किस तरीके से लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया का घेराव किया जाता था वाया बेलारूस, जो एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती थी, क्योंकि इन्हीं बॉर्डर लोकेशंस पर जिस तरीके से मनीष ने बताया कि अभी तक डिप्लॉयमेंट्स हुए थे, उसके बाद अब यहां पर पोलैंड की तरफ से भी बड़ी तैयारी। देखिए, ये बिल्कुल एक बात तो तय है कि ये मैसेजिंग अब नाटो देशों को, पोलैंड को और खासतौर पे दूसरे देशों को भी है कि देखिए अब हम अटैक उन एरियाज में भी करेंगे जहां तक अब हमने अटैक बंद किए हुए थे। आप देखिए कि लंबे समय तक रूस ने ये अटैक नहीं किए थे, लेकिन जैसे ही सेवस्तोपोल या दूसरे इलाकों में यूक्रेन की तरफ से सिविलियन एरियाज में अटैक किए गए, रूस ने ये अटैक और ज़्यादा बढ़ा दिया, और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया। और अभी ये देखिए, ये मैसेजिंग ये भी है कि अगर आप नहीं रुके, अगर नाटो देश अब इसके आगे नहीं रुके, तो फिर निश्चित तौर पर इस वक्त जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, क्विक अपडेट आपसे लो। उससे पहले आपको बता दूं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद सर, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जब बड़े शहरों को रूस की तरफ से टारगेट किया गया है, और आपको ये भी बता दूं कि हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल के जरिए जिस तरीके से इस वक्त मिसाइल अटैक हो रहे हैं, दावे साफ तौर पर ये किए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे हथियार डिपो को नष्ट किया जा रहा है जो कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में थे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह की इंटेलिजेंस रशिया ने गैदर की थी और जिस तरह से यूक्रेन अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था, जिस तरह की इमदाद उसको मिल रही थी वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोपियन कंट्रीज से, तो रशिया ने बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स हैं ये जितने उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स थे या इस तरह के आर्सेनल्स थे उन पर अटैक किया है। क्योंकि आप देखिए, यूक्रेन दिन पे दिन अपनी जो पोजीशन थी उसको कंसोलिडेट कर रहा था, और रशिया के लिए ये एक अपनी प्रेस्टीज का भी सवाल हो चुका है। तो रशिया के पास इस तरह की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन्स हैं या इस तरह के मिसाइल्स हैं जहां वो प्रेसिशन अटैक कर सकता है, और वो ये चाहेगा कि साहब जो कीव में जहां जहां भी इन्होंने इस तरह के एमिनेशन डंप्स या आर्सेनल इकट्ठे कर रखे हैं या कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं उनको वो बर्बाद करे, जिससे यूक्रेन का जो अटैक है, जो ऑफेंसिव कंटेंट है, वो डेन्यूड हो। तो ये रशिया ने बिल्कुल हार्ड इंटेलिजेंस पे ये अटैक किए हैं और यूक्रेन के लिए ये काफी चिंता का सबब है। बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन मनीष यहाँ इस बीच यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी जिस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं उसको लेकर अपडेट लूं। उससे पहले ये दो तस्वीरें तो एक साथ आपके सामने, क्योंकि रूस के रिहायशी इमारतों को किस तरीके से निशाना बनाया गया, लेकिन यूक्रेन के 5 शहरों में रूस के हमले को लेकर खबर बड़ी है। एक बार फिर से जानिए किस तरीके से कीव के साथ साथ क्रिवरी, निप्रो में विध्वंसक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और सुमी और स्लोवियांस पर भी हमले तेज हो चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलों से किए जा रहे हमले को लेकर इस वक्त खबर बड़ी है, और ये भी साफ कि किस तरीके से दुनिया के सामने इन तस्वीरों को इस वक्त यूक्रेन की तरफ से मनीष प्रोजेक्ट इस लिहाज से किया जा रहा है कि यूक्रेन के इन 5 शहरों में बच्चे भी इस वक्त इनकी चपेट में आए हैं, क्योंकि बड़ी खबर और पहली तस्वीर जो जेलेंस्की की तरफ से जारी की गई उसमें रशिया के उस क्राइम को उन्होंने दिखाया जहां बच्चे भी इसकी चपेट में आए। क्विक अपडेट मनीष।
बिल्कुल सुरभि, देखिए मैं इस बात से हैरान हूँ कि पिछले एक साल में कीव में मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ कभी नहीं देखा है। तो इतनी सारे संख्या में लोग का वहाँ पर जुटना यह अपने आप में बहुत ताज्जुब कर रहा है मुझे। उसका दो रीज़न हो सकता है। पहली बात तो यह है कि जाहिर है कि एक रिहायशी इलाके में अटैक हुआ है तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन कीव में इतने लोग हैं, इतने लोग जुट रहे हैं, इससे देखकर यह लग रहा है कि इसके पीछे का और क्या मकसद हो सकता है। इसके पीछे का एक मकसद तो आपको दिख ही रहा है कि नाटो की मीटिंग होनी है। जेलेंस्की कहेंगे कि देखिए हमको इसीलिए आपकी मदद की ज़रूरत है, इसीलिए हमें हथियार चाहिए, हमें इसीलिए और ज़्यादा चंदे चाहिए। तो ये जेलेंस्की इसीलिए इस वीडियो को लगातार अभी दुनिया के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद खास है नाटो की मीटिंग को देखते हुए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो रूस का हमला इस जगह पर, क्योंकि आखिरकार ये सारे मिसाइल तो रूस के हैं, रूस ने इस जगह पर हमला क्यों किया है? तो अब रूस को ये लगता है कि अब वो समय आ गया है जब कीव पर अटैक होना चाहिए, क्योंकि कीव पर अटैक होगा तो दबाव होगा, कीव पर अटैक होगा तो नाटो के जो लोग आकर कीव में रह रहे हैं उन्हें यह लगेगा कि हम कीव में भी सुरक्षित नहीं है, और ऐसी स्थिति में या तो वो फिर कुछ और फैसला करेंगे या नहीं। ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाने की, कीव पर दबाव बनाने की कोशिश को लेकर एक्सपर्ट से करूंगी सवाल। उससे पहले बड़ी खबर है रूसी सेना के 100 ग्लाइड बॉम्ब से हमले को लेकर। एक और इस वक्त बड़ी खबर जहां रूसी सेना ने 111 कैप बॉम्ब भी बरसाए हैं। हालांकि जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, मेरे सहयोगी लगातार इस बारे में हमें अपडेट दे रहे हैं। 24 घंटे में कीव के पूर्वी इलाकों में हमले को लेकर सुमित क्या बड़ी खबर? देखिए बड़ा रूस लगातार उन इलाकों में टारगेट करेगा जहां पर उसने यूक्रेन को कंसोलिडेट होते हुए देखा। रूस ने अपने ऑफेंसिव ऑपरेशन ना सिर्फ आप देखिए कि खारकीव और इसके इलाकों में बढ़ाया, बल्कि अब वो कीव के इलाकों में भी आया। इससे पहले भी एक बार खबर ये आई थी कि कीव को किस तरीके से कई लेयर्स की सिक्योरिटी में बांटा जा रहा है और पैट्रियट मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगातार तैनात किया जा रहा है, क्योंकि उनको ये खतरा था कि ये कीव पर अटैक होंगे। और अब वो सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि जो कि आप कीव ने सारी चीज़ें मुस्तैद की थी अब वो फेल होती दिख रही है, और रूस के अटैक और ज़्यादा इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर कीव के रिहायशी इलाकों में, कीव के इंटरनल एरियाज में आप कह सकते हैं कि डीप एरियाज के अंदर वो अटैक बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में कीव के पूर्वी इलाकों में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शरदेंदु सर, समझाइए कि इस वक्त कीव को टारगेट करने का मतलब क्या है, क्योंकि रूस की ये जो बारूदी बारिश हो रही है, 100 मिसाइलों से हमले को लेकर खबर बड़ी है, एक साथ 5 शहरों पर अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। सर देखिए जिस तरीके से हमला हुआ ये तो मैं मेरे एप्रिसिएशन से बहुत दिनों से एक्सपेक्टेड था। देखिए ये युद्ध अब एक इसके अटैक के बाद अगर इसी तरीके के हमले जारी रहेंगे तो कल्मिनेशन पॉइंट पे पहुंच रहा है। जब तक आप कीव में इस तरीके के अटैक करके उनके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमला नहीं करेंगे तब तक यूक्रेन की सेना गिव अप करने वाली नहीं है। और आज की डेट में देखिए बार बार रशिया के पीस प्रपोजल देने के बाद भी ज़ेलेंस्की साहब उसको नहीं मान रहे थे, और एक तरीके से बार बार अमेरिका और नाटो की मदद से युद्ध में वो बने हुए थे। अब ये कीव पे जब हमले हो इस तरीके से होने लगेंगे, जब सिविलियन की जान जा रही है और जो वहां का जो पावर सेंटर है जब वो स्ट्राइक में आता है तो ये माना जाता है कि ये युद्ध का लास्ट फेज है। तो ऐसे तमाम तरीके के प्रेशर हो रहे हैं। देखिए पूरे दुनिया में अमेरिका में इलेक्शन है, यूके में सरकार बदली है, एक नए तरीके की सरकार, नई तरीके के सोच के साथ यूरोप में आगे बढ़ोतरी होगी। तो ये हमला मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड था। काफी दिनों से हम इस चीज के लिए आई वॉज ससेप्टेबल कि क्यों नहीं कीव पे हमले हो रहे हैं। रशिया ने पहले पीस प्रपोजल दे दिया, अब कीव पे हमले कर रहा है, क्योंकि वो इस युद्ध को अब कल्मिनेट करने की स्थिति में आ गया है। सर, बड़ी बात आपने कही है। दत्ता सर आप भी मेरे साथ बने रहे। मनीष, सुमित आपके पास मैं जल्द वापस लौटती हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट ने एक बड़ी बात कही है। इज दिस द फाइनल स्टेज ऑफ द वॉर?